नाम आप लोगों ने रखा, किस पर रखा? जैसे कि आपको मालूम है कि बॉलीवुड बिग स्क्रीन ने जो प्रेजेंट किए हैं, ये जो आपका है कैराओके आवाज़ की दुनिया, वॉइस ऑफ कैराओके, ये हमने रखा है एक नया प्लेबैक सिंगिंग जो हमारे स्टेज से जाना चाहिए करके। और जो भी हमारे ये जो प्लेटफॉर्म पे जो भी जीतेगा उसको हम लोग आने वाले एल्बम के अंदर से प्लेबैक सिंगिंग का चांस देंगे पूरी तरीके से। तो कितना राउंड हो रहा है? यहाँ 4 राउंड हो गए, उसमें 2 राउंड का जो अभी यहाँ पे होगा और 2 राउंड थोड़े से दिनों के बाद में होंगे। जी जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी मैम, इस प्रोग्राम में आप आई हैं? जी, मुझे एज अ जज बुलाया गया है, तो सबसे पहले तो उन्हें मैं, निखिल बत्रा मेरे दोस्त हैं, उनको मैं थैंक यू कहूँगी मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अच्छे खासे कंटेस्टेंट्स आए हैं और बॉलीवुड बिग स्क्रीन ने ये जो अपॉर्चुनिटी दिया है इन लोगों के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीतेगा उसे टी सीरीज़ का कोई एल्बम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये अच्छा मौका रहेगा उनका अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का। तो आई थिंक ऑल द ऑर्गेनाइजर शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जजिंग करके। तो यहाँ जो सिंगर्स हैं उनका जो गा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, जज कर रही है, कैसा लग रहा है? इस यहाँ पे एक तो सारे एज के लोग हैं, आई मीन मोर, आई थिंक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25 से होंगे शायद, 25 से अबव है। तो जो भी गा रहे हैं अपने अच्छे एक्साइटमेंट में गा रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो वो एक्साइटमेंट और वो कॉन्फिडेंस अच्छा है, और अच्छा करेंगे अगर आगे भी बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होगी कोई बेस्ट जीत के आएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? बॉलीवुड बिग स्क्रीन है और टी सीरीज में वही गाएगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। जी ठीक है, परफॉर्मेंस करने के लिए यही है कि हम स्टेज इन्हें बार बार दे रहे हैं, राउंड दर राउंड चल रहे हैं, उसमें से जो बेस्ट निकल के आएगा वही टी सीरीज के अंदर गाएगा। और हमारे निक्की बत्रा और अपने किशोर राजपूत जी ने जो प्रयास किया है, इसके लिए दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। और ये एक ऐसा माध्यम बनाया है, अगर ये माध्यम सक्सेसफुल होता है तो कई लोगों के लिए एक अच्छा मार्ग बनेगा और इससे कई प्रतिभाएं निकल कर आएंगी और कई प्रतिभाओं को अच्छा स्थान मिलेगा। उसमें से डिपेंड करता है कि वो काम कैसा करते हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इससे काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसके आप जो सामने आने वाली जो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनको कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छा सिंगर मिलेगा, अच्छा गायक मिलेगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी। लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को मैसेज यही देंगे कि जो लोग बाग इच्छुक हैं करने के, उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए, अपने आप को आजमाना चाहिए कि अगर उनमें कोई प्रतिभा है तो उनके लिए इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म दिखते नहीं हैं। जी जी। लेकिन ये जो प्रयास किया जा रहा है इससे बढ़िया और कुछ नहीं। जी जी। आप सभी को धन्यवाद इसके लिए। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के? नमस्ते, मैं नेहा नंदिनी हूँ और इधर मुझे एज ए जज बुलाने के लिए निक्की जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे चांस मिला है जजमेंट करने के लिए और अच्छा लगा करके। और जो प्रतियोगी है उन लोगों का सॉन्ग अच्छा ही है, कोशिश किया है, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। सर, आप इस प्रोग्राम में आए, आप एक एक्टर भी हैं, क्या कहना चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ, मैं आदित्य दास हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, पर यहाँ पे मुंबई आने के बाद निक्की सर से जब मुलाकात हुआ तो निक्की सर ने मेरे को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया। जी। तो मैं आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, एंड यहाँ पे जो जितने भी लोग गाए, मतलब परफॉर्म किए, सब एक से बढ़कर एक थे, बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू निक्की सर कि मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे, सच में मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट मतलब बेस्ट विशेस रहेगा सबके लिए, बस इतना कहूँगा, बस थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज का जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल रहा और सारे राउंड्स आपके सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर भी आए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी जान के खुशी हुई है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए इस इवेंट में इतने सारे लोग आए, ख़ास करके मेरी फ्रेंड श्रुति, नंदिनी, यश भाई, इन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ पर आकर इस महफिल को और चार जान लगाए जजेस बन के। और अभी ये इनको एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश हम कर रहे हैं कैराओके सिंगर्स को, न जाने इसमें से कौन प्लेबैक सिंगर बनेगा कुछ पता नहीं है, तो हमारी कोशिश यही है कि यहाँ से इनको प्लेबैक सिंगर की और लेके जाने के लिए। जी 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 जी। लोगों को क्या मैसेज? लोगों का यही मैसेज है कि उम्र और
उसका कोई तालमेल नहीं है। आप आइए, गाते रहिए और गाना गाते रहिए और पार्टिसिपेट करते रहिए। आगे का आपका क्या प्लान है सर? आगे का ये प्लान है कि जो इसमें जीतेगा, जो भी कंटेस्टेंट, उसको प्लेबैक सिंगर का चांस मिलेगा। मैं कई सारी फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करते रहता हूँ, तो उसमें से हमें एक सिंगर मिल जाएगा, यही हमारी ख्वाहिश है। इस प्रोग्राम में आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारा थर्ड राउंड है, इसके पहले हमने दो ऑडिशंस दिए हैं, तो देखा जाए तो ये फर्स्ट राउंड है, फिर सेकंड राउंड है, फिर उसके बाद दो राउंड होंगे और जजेस भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। सो लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग का ऑडिशंस के बाद में क्लियर होने के बाद में ये हमारा फर्स्ट राउंड है, इसके टोटल चार राउंड से, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट राउंड अटैम्प्ट किया है और इसके बाद में अब हम लोग वापस सेकेंड राउंड के लिए अपेयर कर रहे हैं। अब जजेस का जो पैनल है वो तो काफ़ी लाजवाब है, हम लोग आगे यही होप में है कि लेट्स सी कि यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे इस शो में आए हैं? इस शो में आके मुझे बहुत खुशी हुई, पहले दो राउंड में सिलेक्शन हुआ था, ऑडिशन हुआ था, आज थर्ड राउंड है, इसमें दो राउंड गाए जाएंगे और एक दिन होगा जब और दो राउंड होंगे, तो आज बहुत खुशी हो रही है। संगीत के माध्यम से हम सब जुड़े हैं यहाँ आके, इसे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज से पहले मैंने बहुत शो में पार्टिसिपेंट किया है और लेकिन ये जो अनोखा एक शो है, जो कंपटीशन रखा है कराओके का पहली बार, तो हमको ये सब इसमें पार्टिसिपेंट करके हमको बहुत खुशी हुई है और भविष्य में ऐसे शो निकी सर और किशोर राजपूत सर करते रहेंगे, उनको बधाई देते हुए मेरे दो शब्द पूरा करता हूँ। मैम आप इस शो से जुड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली शोज़ बहुत लोग करते हैं लेकिन एज अ कॉम्पिटिशन इसको रखा गया है और बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स सामने आए हैं, बहुत सारा बहुत मज़ा आ रहा है शो में रह के और बहुत टैलेंट देखने मिल रहे हैं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि मंजिल के आगे और एक कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है ये शो में आके, बहुत बढ़िया शो है। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले शो तो काफ़ी किए हैं लेकिन निक्की सर और किशोर राजपूत सर ने जो कराओके कंपटीशन शो रखा है ये एकदम अद्भुत सा है और इसमें अच्छे अच्छे कलाकार उभर के सामने आएंगे और अभी हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है इस शो, मतलब इस आज की डेट का, लेकिन इससे पहले दो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हुए थे कराओके कंपटीशन के, उसमें हमारा क्वालिफाई हुआ, अभी फाइनल में हम लोग आज गा रहे हैं, पहला राउंड गा चुके हैं, अभी और दो तीन राउंड होंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा शो, बहुत अच्छा सर ने कंपटीशन रखा, बहुत मज़ा आ रहा है। ईश्वर उनको बहुत लंबी कामयाबी दे। थैंक यू सर।